क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। हरिद्वार के रुड़की में मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने निजीकरण और बेरोजगारी को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है। वहीं मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो वर्तमान की सरकार है वो मनमानी करते हुए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको बता दें, जहां पूरे देश में बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को देखते हुए जो देश में गरीब तबके के लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी को लेकर मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने हरिद्वार के रुड़की शहर में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो वर्तमान में सरकार है वो अपनी मनमानी करते हुए निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है और निजीकरण के कारण ही जो हमारे देश के मजदूर या युवा है उन्हें बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार ने वर्तमान में सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार मजदूर तबके के लोगों के जीवन में जहर घोलने का काम कर रही है। उत्तराखंड की सड़कों का भी खस्ता हाल देखा जा सकता है, जिस पर रोजाना कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई भी समाधान नहीं किया गया। सड़कें जैसी की तैसी पड़ी है, सड़कों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती जा रही है। वहीं अमित कुमार अध्यक्ष का कहना है कि हरिद्वार के रुड़की शहर में नशे का कारोबार भी चरम पर चढ़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में कोई भी नेता या प्रशासनिक अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है, जिससे हमारे शहर के युवा नशे की ओर खींचे जा रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु होना तय है। मूल निवासी विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाला कल दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आज पूरे देश में हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है और उसी के माध्यम से आज ही एक दिवसीय माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और हम कहना चाहते हैं कि आज जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है या फिर वो देश में एक व्यवस्था बनाने की बात कर रही है, तो आज भारत में सरकारी संस्थानों को निजीकरण करके देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी में आज हम सबसे आगे हैं। आज कोरोना के नाम पे, कोरोना की आड़ पे देश को बर्बाद की तरफ लेकर गजाया गया है। जो GDP पॉइंट में खिसकने पर बहुत खुश होते थे, आज देश की GDP जो है -23% पर पहुँच चुकी है। बहुत बड़ी चिंता का विषय, यानी कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ी हांक रहे थे, देश की जनता को धोखा दे रहे थे, उनका खुलासा हो चुका है। उन्होंने देश को कोरोना काल में कोई जन सुविधाएं नहीं दी, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी, इससे वो पूरी तरह से खुलासा हो गया था कि ये निकम्मी सरकार है, इन्होंने देश में कोई भी विकास नहीं किया है। इसलिए इन्होंने उसको छुपाने के लिए आज देश में कोई रिया का, कोई कंगना का, इस तरह के मीडिया के माध्यम से ये जो है मुद्दे बनाते हैं, लेकिन हम जनता को सही मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि आज देश के युवाओं को शिक्षित लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए थे शिक्षित लोगों को, वो नहीं मिल रहा है। आज देखेंगे तो BSNL को और रेलवे को, एयर इंडिया को, इंडियन ऑयल को, LIC को, तमाम संस्थानों को निजीकरण कर दिया गया है। अगर ये सारे सरकारी संस्थान निजीकरण हो जाते हैं तो जनता को कोई भी सुविधा मिलने वाली नहीं है। निजी जो संस्थान होंगे, कंपनियां होंगी, उनमें मालिक इनके लाला होंगे, वो किस तरह का व्यवहार करेंगे, वहाँ पर कोई संविधान लागू नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। आज भी देश के तमाम निजी संस्थानों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1968 के तहत लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, आज भी महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता है पुरुषों के मुकाबले। तो ये जो भेदभाव भारत में संविधान के खिलाफत है, हम उसके खिलाफ में खड़े हैं। भारत का संविधान में कहीं भी निजीकरण नहीं लिखा है, बल्कि वहाँ भारत के संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, और ये भारत के निजीकरण करके देश के एक एक संस्थान को निजी लोगों को बेचकर, लालाओं को, पूंजीपतियों को बेचकर, देश के किसान को, मजदूर को, युवा को, श्रमिक को और भारत की नारी और आम जनता को तबाह करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारत के लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ और तमाम भारत के सामाजिक और संवैधानिक संगठनों से अपील करेंगे कि वो निरंतर इसके खिलाफ आंदोलन। अजय जी, जैसे कि
हर जगह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो हमारे युवा है वो नशे की तरफ खींचे जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये देखिए बहुत सारे लोग गांव लेवल पे जिला लेवल पे नशे के खिलाफ अभी तो दिया था तुझा कोई भी आदमी भारत का ऐसा नहीं है तो उतना ना था ना और नहीं है और कोई भी परिवार कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दे दिया था वापस अपने बच्चे को नशे की गिरफ्त में मतलब लाना चाहता हो तो आज नशे की लत कहां से बढ़ रही है। अगर सरकार चाहे तो हर जो नशे की जो दुकानें हैं उनको बंद कर सकती है लेकिन सरकार अस्पतालों को नहीं खोलती, सरकार स्कूलों को नहीं खोलती, लेकिन यार मेरे पता नहीं हो जाता कि जिन्हें जब